जगन्नाथ मंदिर का रहस्य नहीं सुलझा पाया कोई। जहां पकने वाले प्रसाद में कभी नहीं आती कोई कमी, समुद्र के किनारे होकर भी नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज, हवा की उल्टी दिशा में बहता है जिसका झंडा, जिसे कहते हैं धरती का वैकुंठ। धार्मिक आस्था रखने वाले हमारे देश में अनगिनत मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी अपनी कहानी भी है। इस देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो हजारों साल पुराने हैं और अपने अंदर अनेक राज छुपाए हुए हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। भारत के हर मंदिर पर दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, लेकिन इन मंदिरों के रहस्य के आगे उन वैज्ञानिकों को झुकना पड़ा। आज मैं आपको ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि चारों धाम में से एक धाम है ये मंदिर। ये पवित्र मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है और हर साल इस मंदिर के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोगों की भीड़ लग जाती है। उड़ीसा में समुद्र के किनारे स्थापित ये मंदिर बहुत ही शांत कहा जाता है। मंदिर के बाहर जो सागर की लहरों का शोर बहुत जोर जोर से सुनाई देता है ना, वो इस मंदिर में आने के बाद किसी भी तरह की सागर की लहरें या कोई आवाज नहीं सुनाई देती, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मंदिर के प्रसाद में नहीं आती कोई कमी। मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं होता। मंदिर के अंदर प्रसाद तब तक बढ़ता रहता है जब तक श्रद्धालु खत्म नहीं हो जाते। यहाँ डेली हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जिनके लिए डेली लंगर लगाया जाता है। इस लंगर में भी कभी कोई कमी नहीं आती, जिसका कारण है इस मंदिर की रसोई में छिपा रहस्य। दरअसल इस मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 किस्म के बर्तनों को एक साथ पकाने के लिए रखा जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इसमें सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे रखे बर्तन में। भगवान को चढ़ाने वाला महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये, 300 उनके सहायक यानी 800 लोग काम करते हैं। शिखर का झंडा बहता है उल्टी दिशा में। जगन्नाथ मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जिसके शिखर पर लगे झंडे को डेली बदल दिया जाता है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि यदि एक दिन भी इसका झंडा नहीं बदला जाएगा तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए मंदिर का पुजारी डेली इस झंडे को इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बदल देता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं आप क्या है, कि ये झंडा हमेशा आने वाली हवा के विपरीत दिशा में बहता है, जिसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता लग पाया। शिखर पर लगे झंडे के साथ एक सुदर्शन चक्र लगाया गया है जिसे हर दिशा से देखने पर उसका मुंह आपको आपकी तरफ ही दिखाई देगा। इस मंदिर की एक और बात हैरान करने वाली है कि इस मंदिर की इमारत की कोई छाया नहीं है। मंदिर के खजाने का रहस्य 34 साल बाद 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट की परमिशन से 16 लोगों की टीम इस मंदिर के खजाने की जांच करने के लिए आई थी, जिसके 2 महीने बाद इस खजाने के कमरे की चाबी खो गई, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। जांच करने वाली टीम ने रतन भंडार के रक्षक की मूर्ति की शपथ लेकर जांच शुरू की थी कि वहां की किसी वस्तु को और खजाने को वो हाथ नहीं लगाएंगे। उनका काम केवल सुरक्षा की जांच करना था। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। अब तक ये मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में इस मंदिर को दोबारा अनंग भीमदेव ने बनाया था। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेव मान को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं, उस मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवाकर स्थापित कर दो। जिसके बाद राजा के सेवक नील माधव की मूर्ति को एक कबीले से चुरा लाए जो इस मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मूर्ति चुराने के कारण नील माधव की मूर्ति नाराज होकर वापस चली गई और राजा से वचन देकर गई कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन पहले वो उनके लिए मंदिर बनवाए। राजा ने मंदिर बनाया और भगवान विष्णु से आने की विनती की। भगवान विष्णु ने कहा कि पहले समुद्र में द्वारिका से तैर कर आ रहे पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ और उससे मेरी मूर्ति बनाओ। राजा के काफी कोशिश करने के बाद भी वो टुकड़ा ना उठा पाए, जिसके बाद राजा ने उसी कबीले के मुखिया से मदद मांगी और पेड़ का टुकड़ा उठा लाए, लेकिन कोई भी उससे भगवान की मूर्ति ना बना सका। जिसके बाद विश्वकर्मा भगवान एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर आए और मूर्ति बनाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्ति ना बना लूं, कोई भीतर ना आए। लेकिन रानी को उनका काम देखने की उत्सुकता हुई और रानी के कहने पर राजा ने कमरा खोल दिया। जैसे ही कमरा खुला
तो वृद्ध व्यक्ति वहां से गायब हो गया और कमरे में तीन अधूरी मूर्तियां पड़ी थी, जिसे राजा ने भगवान की इच्छा मानकर ऐसे ही मंदिर में स्थापित कर दिया और आज तक उनकी अधूरी मूर्तियों की ही पूजा होती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। तो अगर आप भी इस मंदिर में गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आप नहीं गए तो जैसे ही मौका लगे वैसे ही इस मंदिर के दर्शन करके आइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए।